हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, चाइना, यूएस एंड इंडिया एब्सेंट एट द यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट। तो क्या बात है, ये तीनों नहीं है, देखते हैं क्या है। द क्लाइमेट एम्बिशन समिट CAS इन न्यूयॉर्क एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA जिसको बोला जाता है, दैट कंक्लूडेड ऑन ट्यूजडे वॉज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेजर इकोनॉमीज हुज एक्शन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एमिशंस। चाइना, यूएस एंड इंडिया, मतलब जो तीन सबसे बड़ी इकोनॉमीज अभी है उनको ये बोल दिया, ये लोग नहीं गए। विच कलेक्टिवली अकाउंट्स फॉर अबाउट 42% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड आर द टॉप थ्री एमिटर्स इन दैट ऑर्डर। तो मतलब ये टॉप थ्री ही जो थे, शायद अपनी गलती के वजह से मुंह छुपाए हैं, नहीं गए हैं, देखते हैं। वर ऑल एबसेंट फ्रॉम द समिट दैट वॉज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द यूएन टू शो केस लीडर्स हु आर मूवर्स एंड डूअर्स एंड हैव क्रेडिबल एक्शंस, पॉलिसीज एंड प्लान्स टू कीप द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट अलाइव एंड डिलीवर क्लाइमेट जस्टिस टू दोज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। फ्रंट लाइन ऑन द क्लाइमेट क्राइसिस मतलब, चलिए मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। इन द रन अप टू द समिट नियरली 100 हेड्स ऑफ स्टेट हैड रिटन रिस्पॉन्स टू अ कॉल फ्रॉम यूएन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस टू रैम्प अप एक्शन टू एड्रेस द क्लाइमेट क्राइसिस। हाउएवर, ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 34 स्टेट्स एंड 7 इंस्टीट्यूशंस वर गिवन द फ्लोर ऑन द डे ऑफ द समिट। इंडियाज नेबर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान were among the listed speakers and emerging economies such as South Africa and Brazil were also on the list. The European Union, Germany, France and Canada were also on the podium. मतलब ये सारे पहुँचे हुए थे। The criteria for countries to consider for a speaking slot at a summit were that they would be expected to present updated pre-2030 nationally determined contribution as agreed in ग्लासगो अपडेटेड नेट ज़ीरो टारगेट। तो जो उनका अपडेटेड नेट ज़ीरो टारगेट था, जो वो 2030 तक करेंगे, जो ग्लासगो में हुआ था सबमिट, तो उसको सबमिट करना था तभी बोलने दिया जाएगा, ये उसका क्राइटेरिया था। एनर्जी ट्रांजिशन प्लान एंड कमिटमेंट्स टू नो कोल ऑयल एंड गैस फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान, मोर एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लेजेस एन इकोनॉमी वाइड प्लान ऑन एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो थोड़ा बहुत बताए कि उनका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और उन्होंने क्या आगे के लिए प्लान किया है ताकि ये सारी चीज़ें हो या रुक सके, इनमें से जैसे नो कोल को, नो ऑयल को, नो गैस को, फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को मोर एग्रेसिवली आगे आप डेवलप करो, क्लाइमेट चेंज फंड प्लेज, ये इसके जो इसका प्लान बताएगा उसी को वहाँ पर बोलने दिया जाता। All the main emitters and notably all G20 governments would be asked to commit to presenting by 2025 more ambitious economy-wide nationally determined contributions featuring absolute emission cuts and covering all gases. तो मतलब यही बात हो रहा है कि यहाँ पे सारे countries को बहुत aggressively काम करना पड़ेगा और अपना contribution आप बताइए जिसमें आप बिल्कुल emissions को cut कर रहे हैं और उसमें सारे गैसेस को भी आप कवर कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी पॉलिसी बनाइए और अपना नेशनली कमिटमेंट करिए आप। द क्लाइमेट एम्बिशन समिट दिस ईयर सेट अ हाई बार फॉर पार्टिसिपेशन। द सेक्रेटरी जनरल्स क्लाइमेट एक्शन टीम इंगेज गवर्नमेंट्स एज वेल एज बिजनेस एंड लोकल अथॉरिटीज विद ट्रांजिशन प्लान टू रीच नेट जीरो इन लाइन विद द यूएन बैक्ड क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ नेट जीरो प्लेजेस। तो ये स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं ये UNGA के, UNSG के, देखिए कि नेट ज़ीरो इन लाइन विथ UN बैक्ड क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ नेट ज़ीरो प्लेजेस ये होना चाहिए। और इट डिड नॉट क्लेरिफाई इफ इंडिया हैड पुट इन रिक्वेस्ट ओवर इवन और इवन पार्टिसिपेटेड इन द समिट। एन ऑफिशियल इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOE FCC also declined the Hindu request for information. तो क्या इंडिया का क्या उसके ऊपर अभी स्टांस है वो अभी नहीं पता, उन्होंने भी नहीं बताया और हमने भी द हिंदू को नहीं बताया। इंडियाज लास्ट अपडेटेड इट्स क्लाइमेट प्लेज इन 2022 ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी
और द वॉल्यूम ऑफ एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030 एंड 10% इंक्रीज फ्रॉम व्हाट इज एग्रीड इन 2015। क्लाइमेट सोल्यूशन मतलब जो पिछला 2022 में इंडिया ने अपडेट किया था अभी भी वही माना जाएगा, क्योंकि इंडिया ने कोई नया डेटा नहीं दिया है। अब देखिए क्लाइमेट सोल्यूशन क्या है। द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू मीट 50% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर नीड फ्रॉम द रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज अप फ्रॉम 40% कमिटेड एट द पेरिस एग्रीमेंट इज प्रोमिस टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। ठीक है, आर फोकस हेयर इज टू हेयर इज ऑन क्लाइमेट सोल्यूशन एंड आवर टास्क इज अर्जेंट ह्यूमैनिटी हैज़ ओपन्ड द गेट्स टू हेल्थ। ये कितना अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है, ह्यूमैनिटी हैज़ ओपन्ड द गेट्स टू हेल्थ, ये मिस्टर ग्यूटेरेस सेड इन हिज एड्रेस। क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन इज ड्रॉफ्ट बाय द स्केल ऑफ चैलेंज If nothing changes, we are heading towards 2.8 degree temperature rise towards a dangerous and unstable world. तो इन्होंने कहा कि अगर अभी भी नहीं सुधारोगे 2.8 degree temperature बढ़ेगा, जिससे अब देखिए आप problem क्या हो जाती है, इतना क्यों हो रहा है temperature rise, climate change। अगर देखिए 2.8 degree Celsius temperature बढ़ता है तो उससे क्या होंगे, जो अपने glaciers है वो melt होंगे, ठीक है, और जब अपने glaciers melt होंगे तो जो अपना वाटर लेवल है वाटर लेवल राइज होगा। तो आप समझ रहे हैं वाटर लेवल राइज होने का मतलब, जो अपने आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसे जो नेशंस जो मतलब कई सारे नेशन से आइलैंड है और कई सारे बड़े नेशन से जिनका कोस्ट पूरा भरा हुआ है, आप इंडिया का ही कोस्ट देख लो कितना वास्ट है हमारा, तो वहाँ पर अगर आपके पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है तो ये सारे खतरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, दोस्त फ्रंट लाइन ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये सारे नेशंस जो है, जो छोटे नेशंस है आप देखिए आइलैंड नेशंस है, वो बहुत अभी खतरे में है, क्योंकि हम लोग तो समझ नहीं रहे, हम लोग को लग रहा है हम सेफ है, पर एक दिन आएगा अगर अभी नहीं समझेंगे तो वो वहाँ भी मतलब बड़े नेशंस को भी हार्म करेगा। तो यही चीज़ है कि क्लाइमेट क्राइसिस के जो फ्रंट लाइन्स है वो ये छोटे नेशंस है, और चाइना इंडिया और US जो टॉप इम्पोर्टर्स टॉप थ्री एमिटर्स ऑफ CO2 जो है वो तो इस समिट में गए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गए क्लाइमेट एक्शन समिट। इंडिया का यहाँ पे आपको गोल मेंशन है आप देखिए, और तो हमारे लिए इस आर्टिकल में बस इतनी चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता होनी चाहिए क्या है, क्लाइमेट चेंज और उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर पता होना चाहिए, और आप देखिए यहाँ पे क्या फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में, हमारे लिए और एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। और ये कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो 2.8 डिग्री से बचेगा, और हमारा पेरिस एग्रीमेंट में कितना हमने किया था, 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल हमने रखा है, और अगर हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे तो 1.5 का हमने गोल रखा था जो हो जाएगा 2.8, नियरली इंटू टू टाइम्स हो जाएगा, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। तो थैंक यू गाइस एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।